चीज फिर भी अच्छी लगी। ओह माय गॉड, भाई पीछे आ जा। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, अभी दूसरे रिजॉर्ट में जा रहे हैं हम, तो देखते हैं वहाँ का रिजॉर्ट कैसा है। ये वाले रिजॉर्ट का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा जो 3 साल पहले था, अब इनका बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क पड़ गया है। हमने इनसे बात भी की तो इन्होंने बोला काफ़ी हमें 2-3 साल में लॉस हुआ जब से कोरोना का टाइम है। तो अभी दूसरे वाले में जा रहे हैं और फ़ोन हमारा आ गया है कि चेकआउट करने का टाइम हो गया। मैंने तो गाइज उनका फ़ोन आ गया है कि चेकआउट करने का टाइम हो गया, तो चलो गाइज चलते हैं वहाँ का, आपको रूम टूर देते हैं और देखते हैं कि कैसा है। तो गाइस, दिस इज द मेन एंट्री। अभी अंदर जाके ही हमें पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। लेट्स सी, मैंने करवा के आता है तो कैसा मिलता रूम। तो गाइस, बाहर से तो हमें अच्छा ही लग रहा है, बस अभी रूम में जाके पता चलेगा कैसा रूम दे रहे हैं। ताड़ा बहुत गला खराब हो गया, खाऊं खाऊं लाया बीच। जब तू कैमरा ऑन करती है तो खांसी आ ही जाती है। तो अभी भी इन्होंने 20 मिनट लगाने हैं, अभी 2 बजे पहुँचे हैं तो 2:20 पे हमें मिलेगा। अभी मैंने मैसेज डाला था कि अर्ली चेक इन हमने करना है 11 बजे तक, और अगर 11 बजे आ जाते हैं तो फिर तो हमें 2-3 घंटे आराम से वेट करना पड़ता। बट पेंटिंग्स अच्छी लगानी है यहाँ पे। वैसे मुझे पेंटिंग्स पसंद आई हैं, अगर ताना लॉन टेम्पल भी गए थे तो वहाँ पे भी अच्छी लगी थी, 2000 के आसपास थी। तो देखते हैं, एक दिन हमारे पास है अभी बीच में तो लगेगा, तो वो पूरा शॉपिंग ब्लॉग बनाएंगे हम, ठीक है। लोकल मार्केट से देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो अभी बस रूम में जाएँ, खाएँ पिएँ थोड़ा, फिर आराम करें और शाम में जाएँ हम बीच पे, फिर आपको दिखाते हैं। कितना है हमारा? 212। हाँ, 212। रूम तो काफ़ी स्पेशियस है, हमें लगा यही सारा है सोफा बेड का है हमारा, बट बेड उस साइड था। तो इन्होंने चेयर रखी हुई है, स्टडी टेबल है, डाइनिंग टेबल भी है, ये हम दो जने क्या करेंगे यहाँ पे, और ये सोफा भी है। तो यहाँ पे आराम से 3 जने तो रह ही सकते हो। 3-4 आराम, 4 जने आराम से। हाँ, 3 जने यहाँ पे सो जाओ, एक सोफा पे सो जाए। 2 LED भी लगाई हुई है इन्होंने, बालकनी भी पूरी लंबी की लंबी है, लॉज बने हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा बेडिंग एरिया है, और ये अलमीरा है। बस एक प्रॉब्लम है, इसमें लॉकर नहीं है, तो उनको बोलते हैं लॉकर की फैसिलिटी कहाँ पे है। और ये वॉशरूम है, ये अलग से शावर एरिया बनाया हुआ है उन्होंने, और अलग से ही टॉयलेट सीट है, और काफ़ी बड़ा है ये भी, और टब भी है। मैं नहीं नहाने वाली, मैंने 3 दिन में इतना नहाया ना, तो अभी मेरा बिल्कुल मन भी नहीं करता नहाने। मेरा भी नहीं, मुझे अभी कोल्ड हो गया। तो गाइस, ये है हमारा रूम टूर, और बाहर बालकनी में दिखा रहे। तो अभी बस हम थोड़ी देर आराम करके फिर दिखाते हैं इसका स्विमिंग पूल, और उसके बाद इसका प्राइवेट बीच है वहाँ पे चलेंगे। तो थोड़ी देर आराम करें, तो सी यू सून। तो गाइस, अभी बाहर आए हैं हमें 1-2 घंटे की नींद लेके। ये इसका रेस्टोरेंट है, अच्छी लगी मुझे उसकी, है ना, यही चीज इसकी अच्छी है। गाइस, अभी लग रहा है कि चलो ठीक है, रूम वाली कंपनसेशन इसने हमारी पूरी कर दी। इसका पूल और जो बीच का व्यू है, इट्स सो गुड यार, पूरा फेंस बीच क्लब जैसा है। पूल तो बहुत ही बड़ा है, तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बट I'll show you कि कितना बड़ा बीच है। देखो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूल का एंड पॉइंट है ये वाला, और उसके बाद बीच है, और अभी भी सनसेट होने वाला है। और ये सब बेंच वगैरह लगे हुए हैं, तो आप आराम से बैठ के खा पी सकते हो। मैं ना नीचे बीच में उतर आया। अच्छा है यहाँ के, मुझे बीच थोड़े गंदे गंदे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, काली मिट्टी है ना। आई थिंक वो फील्स है ना, इतना ज्यादा रश है। हाँ।
हाँ वही होगा। बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। अभी सनसेट हो रहा है, तो आज 6th डे है मेरा यहाँ पे बाली में और मैंने पहली बार सनसेट देखा है, नहीं तो दूर से ही हम देखते थे। तो आज स्पेशल बीच पे आके मेरे को था कि मैं सनसेट देखने वाली हूँ, तो आज हमने सनसेट देखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिलैक्सिंग हवा बहुत अच्छी और यहाँ की वेव्स बहुत ही ज़्यादा वेवी मतलब तेज़ आ रही है एकदम से। हम कितनी दूर हैं फिर भी यहाँ तक पानी आ रहा है। अभी मेरी चप्पल जाती अगर मैं ना रुकती तो, और मनी मेरे को उतनी तेज़ वेव्स है ना, सारा धुआं धुआं ऊपर आ रहा है, फॉगी टाइप। चलते हैं एक बार चक्कर दूर ताकि जाओगे थोड़ा सा पास। बड़ी वेव आ रही है और सूरज देखो कितना मस्त लग रहा है। बहुत ही बड़ी वेव्स आ रही है। ओह माय गॉड, चल पीछे आ जा। बहुत मेरी चप्पलें ना उतर जाए अंदर। और वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं और ये इसकी एंट्री है। Next morning. Hey guys, good morning. तो guys अभी हम breakfast करने जा रहे हैं। इनका breakfast का time जो है 7 से 11 बजे तक है, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। 11 बजे तक बंदा आराम से नहा धो के चला जाता है, अदरवाइज सबका 10 बजे तक रहता है। तो फिर होता है कि फटाफट पहले खाना खा लें, breakfast कर लें, फिर बाद में नहाते हैं। तो बस अभी हम breakfast करने के लिए जा रहे हैं और 5-6 दिन से हम सिर्फ और सिर्फ सैंडविच, ब्रेड, जैम, बस यही चीज़ें खा रहे हैं, या तो ऑमलेट। ना मैंने जो है 5-6 महीने में नहीं खाती जितना ये ऑमलेट मैंने यहाँ पे खा लिया। मुझे है कि यहाँ पे कुछ मुझे अलग सा मिल जाए, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। चले मनी, तो एक चीज़ बताऊँ आपको, क्या ये देखो गाइस पीछे टैग लेके घूम रहे इतने जाना ही तुम, और वो भी मैं अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे एकदम से दिख रहा है कि आपका टैग लगा हुआ है, अदरवाइज ऐसे ही निकल जाना था आपने। चले डू नॉट डिस्टर्ब का लगा दो। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बफे सिस्टम नहीं है, अला कार्ड मेन्यू है। जो आपको खाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, और मुझे ये है कि वो अपने तरीके से नहीं हम बनवा सकते। बोला तो है ऑमलेट वगैरह जो हमें चाहिए होता है वो बहुत साइड से हमें कुक चाहिए होता है, अदरवाइज एक अच्छा बना के दे देते हैं, तो वो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। बट बोला आप देखते हैं कैसा आता है। जेड़ी उम्मीद है किसी एक ऑमलेट भी हो आज टूटी और ये इनका मेन्यू। तो हमने इसमें से एक तो ब्रेकफास्ट सैंडविच ऑर्डर किया है और सैलेड की है, मनी ने ऑमलेट किया है, और क्या किया है ये हमने एक एप्पल पाई की है, ब्रेड पुडिंग की है। तो देखिए कैसा आता है, खा के ही पता चलेगा। ऑमलेट के साथ ये राजमा कौन दिंदा था वा मनी, किला आ गया था डाम। आलू टिक्की है ना मनी, ये देखना ये अच्छी है। सैंडविच आ गया, मनी ने विद एग लिया, मैंने विदाउट एग लिए, बस खाने में अच्छा लग रहा, अच्छा ही रहा है। और ये अपने वीगन सैलेड है, हम डाइट पे आ गए हैं गाइस, पतले होना चाहते पतले कुछ नहीं होना चाहते, यहाँ पे मिलता नहीं कुछ, इसलिए हम ये खा रहे हैं, हम इसलिए डबल कर रहे हैं। मैं तो परसों चौथ जाके थे आलू के परांठे खाने। गाइस ब्रेकफास्ट हमारा डन हो गया, हमने एक दो चीज़ें और मंगाई थी, वो लेट हो रही है, तो हम नहीं खाने वाले क्योंकि हमें अगली लोकेशन पे भी जाना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और इनका खाना मुझे अच्छा लगा, नो डाउट, बस सर्विस थोड़ी इनकी स्लो है। बफे सिस्टम होता तो बंदा खुद ही जाके फटाफट लेकर आ सकता है, बट ये है कि यहाँ पे आप गरम गरम आपको मिल रहा है, तो वो मुझे अच्छी लगी चीज़। तो गाइज ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज हिट द लाइक बटन, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से?
सब्सक्राइब आवर चैनल. Yeah.